देखिए हमारी कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है, वो प्लिट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, इनके एमएलए ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनैनिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का कट कर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा, उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसिस कर रहे हैं ना उनसे हम डरेंगे। अच्छी मीटिंग हुई, दो मीटिंग अच्छी हुई थी। एक मीटिंग तो जो 25 बने पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनकी मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो बने हैं पर्यवेक्षक बने एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी और नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर, 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे, तीनों हमारे सेक्रेटरी जो अलग दौरे कर रहे हैं उनकी अलग भूमिका है, और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है, वही करीब करीब हमारे पीसी के मेंबर भी हैं, ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी एक मीटिंग बुला करके। रंधावा साहब की सानिधि में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी के मेंबरों को, वो खुद जाकर के वहाँ जिलों के दौरे करें, वहाँ मीटिंग करें, बातचीत करें, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वहाँ के MLA, SMLA, जिला अध्यक्ष, एक्स जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जिला परिषद के, पंचायत समिति के, मेयर है वहाँ के, पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, और सबकी मनता एक है, चुनाव हमें जीतना है, सरकार में बनानी है, उस पर सबकी एक राय है। तो मीडिया को चाहिए अनावश्यक जो है, अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं करें। मीडिया की भूमिका में देखी है, उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, उनकी न्यूज बनती नहीं है बगैर उसके, बगैर तड़का दिए न्यूज नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो, ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेके है राजस्थान का चुनाव। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई, यहाँ प्रदेशवासियों का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी
वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनकी दिल के अंदर, वो जो सरकार ने गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो, वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है। वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह जी कोई कमी नहीं रख रहे हैं, योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग बैठ करके, वो मिनिस्ट्री बैठ करके, हमें मालूम इस बात की जानकारी है। इन तमाम बातों को हमारे जैन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा, हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए, दुनिया में जाते हैं नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी, वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और उसलिए इस बार जनता मोहर लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप सरकार में चुनी हुई सरकार में गिरा रहे हो, और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन झोंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार मोहब्बत भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए, वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम अवश्य कामयाब होंगे। ये संकल्प सब ने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर, और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे, जनता का आशीर्वाद। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। मैं कह सकता हूँ देखिए, जो नया कानून आया है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें CGI को निकाल दिया। मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं गया CGI का क्या फैसला हुआ होगा या क्या कमेंट किए हैं, मैंने देखा नहीं अभी। मेरा व्यक्तिगत विचार है CGI को जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और साथ में CGI तीनों मिलकर फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। नया कानून जो पास करवाया गया है उसके अंदर CGI का नाम हटा दिया। मैं समझता हूँ इसी में संदेह पैदा होता है, आप जुडिशरी के जो हेड है CGI उसका नाम चयन में क्यों हटाया गया, और एक मंत्री को नॉमिनेट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो फिर उसका मायने क्या रहा, फिर क्या मायने रहा है, जो भावना थी सुप्रीम कोर्ट की उसकी आप धरिया उड़ा रहे हो। इसलिए आपको चाहिए CGI तो उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए, तब जाके अभी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लो कोई MLA है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज में दम है तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो मीडिया को देख करके, फीडबैक लेकर के कार्रवाई करने में हिचकते नहीं है। तो आप देखिएगा, अगर मान लो पूरे बिना तथ्यों की न्यूज आ रही है, अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूज है, तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज को फ्लश करने के पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी, और अगर मैं उसकी समझूंगा तो आप शेयर भी करूँगा। धन्यवाद।